बार हम फिर गुवाहाटी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अब हम जाएंगे हेलीकॉप्टर की सवारी करने। चॉपर से हम लोग जाएंगे तवांग और तवांग के जरिए हम अरुणाचल प्रदेश पहुँच कर तवांग और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के और शहरों के आपको दर्शन कराएंगे। हम आएंगे बर्फ की वादियों में ले चलेंगे सब कुछ दुनिया से सके। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर अब हमारा चॉपर आ चुका है, कुछ ही देर में हम चॉपर में सवार होंगे और निकल पड़ेंगे तवांग के लिए। फिर आपको दिखाएंगे तवांग की बर्फ और वहाँ की मोनेस्ट्री, कराएंगे तवांग के दर्शन। तवांग द वैली ऑफ बुद्धा में जाने के लिए आपको लेनी पड़ती है हेलीकॉप्टर की सवारी या फिर बाय रोड आप अपने गाड़ियों से जा सकते हैं। तो बाय रोड जाते हैं तो पहाड़ियों का अलग आनंद है और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आप ऊपर से प्रकृति की वादियों का आनंद लेते हुए पहुँचते हैं। तो यहाँ सबसे जब हेलीकॉप्टर आपका उतरता है तो ऊपर से ही आपको भगवान बुद्ध के दर्शन होते हैं। तो नीचे उतरते ही हम आपको ले चलेंगे, भगवान बुद्ध के भी दर्शन कराएंगे और यहाँ की वादियों को भी दिखाएंगे। गुवाहाटी एयरपोर्ट से तवांग हेलीपैड की दूरी लगभग 443 किलोमीटर दूर है और इस रास्ते को बाय हेलीकॉप्टर तय करने के लिए सवा घंटा लगता है जबकि बाय रोड जाने के लिए घंटों लग जाते हैं। तो हमने हेलीकॉप्टर की सेवा ली है और हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं प्रकृति की वादियाँ। फ्रेंड्स हम लोग अब तवांग पहुंच चुके हैं, हमारा चॉपर लैंड कर चुका है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है और हेलीपैड के नीचे चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। बर्फ भी दिखाएंगे कि दुनिया में आपको हम नई नई चीज़ों के दर्शन कराएंगे और नई नई चीज़ों को घुमाएंगे। सर्किट हाउस ये दोस्तों ये हमारा सर्किट हाउस है जहाँ हम लोग रुके हैं। गाइस हम लोग जो तवांग जो पूरी वैली है इसको बुद्धा वैली भी कहते हैं और ये भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा है जो आपको पूरी वैली में चारों तरफ से दिखाई देती है। अगर आप लोग कभी शिमला गए हों तो जैसे वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है चाकू में, इस तरह से ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है और इस महात्मा बुद्ध की मूर्ति के नीचे ही एक मंदिर बना हुआ है जिसमें महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ प्रिंस से महात्मा बुद्ध तक बनने का पूरा उसमें चित्रों के जरिए दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा है। तो यहाँ पर आएँ और अपनी मुरादें भी मांगें।